आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाइल्ड इंडिया में। आज हम आए हैं ओपन नेचर में, जंगल में थोड़ा एक्सप्लोर करने। देखते हैं आज अपना लक कैसा काम करता है। जो कुछ मिलेगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे, और बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हो इधर ह्यूमिडिटी है जंगल में, तो उम्मीद करता हूँ मुझे कोई एक हाथ रेप्टाइल यानी कोई भी सरीप सिर्फ देखने जैसा मिल जाए। तो आइए चलिए मेरे साथ जंगल में, देखते हैं क्या मिलता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हाइबरनेशन पीरियड होता है, यानी सांप जो होते हैं ठंडे खून के प्राणी होते हैं। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है और बारिश अभी गई है। उस दौरान अपना भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और हाइबरनेशन के लिए जगह ढूंढते हैं। सांप, कोई भी रेप्टाइल, कोई भी जानवर हो, ठंडी के टाइम अपना शेल्टर लेके वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो आइए मैं एक टिप देता था, साथ ही साथ जंगल में जैसे कभी भी आप घूमते हो, खास करके अगर नीचे का ज़मीन आपको खाली मिले तो आप बैठ के अपना विजन क्लियर कर सकते हैं। बैठ के विजन आप क्लियर करोगे तो आपको कुछ भी विजिबल हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कुछ दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, हमें एक जैकपॉट मिल चुका है। हाँ चलिए देखते हैं वो क्या है जैकपॉट। आइए मेरे साथ, चलिए देखते हैं क्या है वो, आपको दिखाते हैं। ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक। आप अगर ठीक से देखोगे तो ये है इंडियन रॉक पाइथन। नेचुरल हैबिटेट में बहुत ही कम ऐसा देखने मिलता है। हम लकी है कि हमें ये देखने मिल रहे हैं। ये हाइबरनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये हंट करके या हंट करने निकला है, अपना हंट करके फिर हाइबरनेशन चला जाएगा। आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है। बोला जाता है सांप जमीन के राजा होते। ब्यूटीफुल, इसे इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं और हिंदी और मराठी में भी इसको अजगर कहा जाता है। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल क्रिएचर, ये जा रहा है। मैं इस पर हाथ रखूंगा तो भी इसे पता नहीं चलेगा, ये अपने झुंड में चल रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ऐसे ही जंगल में हम घूमने आए थे और हमको मिल गए भाई साहब इंडियन रॉक पाइथन अजगर। और हालांकि थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ये एक बिन जहरीला सांप है और इसका नाम है इंडियन रॉक पाइथन, और जैसे कि पहले मैंने बताया था अजगर। लोगों को इसके बारे में काफ़ी अंधश्रद्धा है कि ये जहरीला होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं तो खा जाते हैं इंसानों को। ये इंसानों को नहीं खा सकते क्योंकि एडल्ट इंसान को इसलिए नहीं खा सकते, उसका जो शोल्डर होता है उस वजह से ये उनको खा नहीं पाता है। हालांकि जब छोटे बच्चे हैं तो उनको ये खा सकता है, अगर मारेगा तो हंट पे अगर किसी को मार दिया। देखा गया है कुछ कुछ वीडियो में कि बच्चों को खाते हुए इनके पेट में से बच्चे निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा आपको जानने मिलेगा कि ये कोई इंसान को खाया। हाँ, अपन अपने से 10 गुना बड़े साइज को ये खा सकता है इंडियन रॉक पाइथन। और इसके बारे में मैं बताऊं, जैसे कि आप देख सकते हो इसका लेंथ है 8 से 9 फीट का, वजन तकरीबन होगा मेरे हिसाब से 10 किलो अंदाजा, क्योंकि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये अपने रास्ते जा रहा है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपकी इसके सांप के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि अपने रास्ते जा रहा है, हम उसको जाने दे रहे। तो पैटर्न आप देख सकते हो, इसको पहचानना काफ़ी ईजी होता है। जो मिलिट्री पैटर्न आप देख सकते हो, इसको मैं मिलिट्री पैटर्न बोलता हूँ ताकि ईजीली सब समझ सके। तो ये मिलिट्री पैटर्न की वजह से ये कैमोफ्लैश्ड हो जाता है जंगलों में। अगर कोई पत्ते के नीचे जाके बैठ जाएगा तो इस पैटर्न उसको मदद करता है उसके साथ कैमोफ्लैश होने में। तो ये है एक विडाल और बड़ा सांप। सांपों के दुनिया में ये बड़े सांप होते हैं। ये अपना शिकार जहर से तो नहीं, पर भगवान ने इसको ताकत दी है तो ताकत से मारता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ब्लड प्रेशर का जो मशीन हमारे हाथ पे लगाया जाता है, उस तरह ये अपने ब्लड प्रेशर का मशीन कैसा टाइट होता है, उसी तरह अपने शिकार को जकड़ के मारता है। जब तक उसकी सांस ना रुके तब तक उसे वो जकड़ता रहता है, फिर उसे जिंदा ही खाने लग जाता है। इसके दांत हुक के जैसे होते हैं जो खाने को मदद करते हैं, अपने शिकार को अंदर के साइड खाने के टाइम खींचता है। आप देख सकते हो सुंदर सांप। आपने खाली दूसरे सांपों में देखा होगा ऐसे आवाज, पाइथन भी आवाज करता है। मैं थोड़ा सा आपको खाली आवाज के लिए दिखा देता हूँ, हम उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर
और आपको मैं एग्रेशन दिखाना चाहता हूँ पाइथन का। तो फ्रेंड्स हम इसे अपने हाल पे छोड़ते हैं, देखिए आप देख सकते हो गर्मी बहुत ही ज़्यादा, ह्यूमिडिटी है। हम इसे बिना हाथ लगाए बिना कुछ किए जाने देते हैं कुदरत में, कुदरत का प्राणी है और अपनी सही जगह पे है तो इसे हम जाने देते हैं। तो जैसे कि आप सबने देखा भाई साहब तो अपने घर पे चले गए अजगर भाई साहब, और हमने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि हमें थोड़ा आपको जैसे हम फील्ड पे निकले तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना था आपको सांप के बारे में जानकारी। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, YouTube चैनल वाइल्ड इंडिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो कि आपके स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, उधर भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।